कोच है ही नहीं, लगेज का कोच है। लेग से बड़ी दिक्कत है, मेरे पास टिकट भी नहीं। मैं फंसने वाला हूँ आज, तो मैं फंसूंगा। एक बार इतनी बड़ी गलती हुई। गुफा गुफा बोलते हैं भाई, गुफा। भाई साहब, ये दोनों लोग छपरी हो गया। नहीं, इतना डिलीट करेगा वीडियो, क्यों डिलीट करेगा। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। पीछे में आप करीमगंज का रेलवे स्टेशन देख सकते हो। कल रात में आके यहीं पर रुके थे और आज हम हिचेकिंग नहीं करने वाले हैं। मुझे जाना है अरुणाचल प्रदेश तिनसुकिया से, मतलब यहाँ से ट्रेन हम जाएगी सिलचर, और सिलचर से दूसरा ट्रेन लेंगे तिनसुकिया के लिए। और हमें अरुणाचल प्रदेश जल्द से जल्द पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल है, तो वो हमें देखना। अगर हिचेक करके जाएंगे तो कम से कम भाई यहाँ से अरुणाचल जाने के लिए एक हफ्ते का टाइम लगेगा, तो उतना टाइम मेरे पास है नहीं। और उसके बाद भी जिस एरिया से हम जाएंगे भाई, उस एरिया से कम 2 से 3 बार हम हिचेक कर चुके हैं। ये यहाँ से जाना पड़ेगा सिलचर, फिर दीफू, हफलोंग, ये होते हुए जाएंगे, तो ये सब एरिया में भाई मैं 2 बार हिचेक कर चुका। अभी तो उधर से ही तो घूम के इधर आया था, तो ऐसा मैं नहीं जा सकता हूँ बार बार उसी एरिया में। बार बार हिचेक करना अच्छा नहीं होगा, तो हम जनरल में जाएंगे और भाई विदाउट टिकट जाएंगे। ये हमारे लिए चैलेंज है, देखते हैं कोई टीटी वगैरह पकड़ेगी तो बोल दूंगा भाई उसे कि मैं ऐसा भारत यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी। जो होगा वो देखा जाएगा, पता चल जाएगा आगे वीडियो में। और हमारी ट्रेन अभी आ भी चुकी है, तो कनेक्टिंग ट्रेन से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है तिनसुकिया के लिए ट्रेन है नहीं। तो यहाँ से अभी बस ट्रेन आ ही रही, देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये एरिया में ज़्यादातर पूरे भाई बंगाली रहते हैं, बंगाली लोग हैं यहाँ पर, लैंग्वेज भी बंगाली ही चलती है, तो पर हिंदी यहाँ पर लोग जानते हैं। अभी वहाँ पर अनाउंसमेंट बंगाली में हुआ, पहले उस वाले पे आने वाली थी ट्रेन, तो इस वाले पर आई, तो भाई मैंने मतलब सिलचर का सिम नाम सुना, तो किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि इस साइड में आ जाओ, और हिंदी में यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट नहीं किए, बाद में भी इधर आने से फिर इंग्लिश में किए। आप भाई साहब आ गए ट्रेन, जनरल कोच आगे या पीछे में ही लगा होता है, देखना पड़ेगा कहाँ पे लगा है। ये क्या है पता नहीं चल रहा, चेयर कार, इस पर तो चेयर कार लिखा हुआ है। सब जनरल ही है क्या? ओ भाई सब तो बहुत तेजी से घुस रहे हैं। हाँ ये सारा जनरल कोच ही है क्या? हमारा भी एक जनरल है, साथ में ठीक है ठीक है, अभी करेगा, चलो साथ में बैठते हैं ना। कहाँ पे चलोगे अंदर में? हाँ जाएगा सिलचर जाएगा। हाँ चलो चलो भाई, ये सामने चलो। हाँ हाँ वो जनरल कोच किधर में है? इधर में पता नहीं चल रहा, अगर मेरे को तो बता रहे। बताओ बताओ, भाई को सपोर्ट करो, भाई को अच्छे से सपोर्ट करो, पूरा प्यार से सपोर्ट करो, प्यार से सपोर्ट करो। सही बात है, सही बात है, सपोर्ट करो। मेरा 10,000 हो गया है भाई। अच्छा ये भाई को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो। अच्छा ये पूरा जनरल ट्रेन ही है क्या? तभी मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है, स्लीपर एसी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा ये जनरल का ही है ट्रेन ही, पूरा जनरल लोकल ट्रेन है यहाँ। चल भाई है, उसमें कोई खाली सीट नहीं है। किसमें? ठीक है सामने भी चलो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। देखो भाई ये है यहाँ का लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन है भाई, देख लो ऐसा सब लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कोई अच्छा सा सीट देख के ढूंढ लूंगा। क्यों भाई कहाँ बैठेंगे और आगे चलेंगे? अरे भाई यार बहुत दिन बाद मैं ऐसे लोकल ट्रेन में बैठ रहा हूँ, नहीं तो ऐसे जहाँ भी जाता था तो अपना स्लीपर वगैरह वाला ट्रेन रहता था। सामने चले, कहाँ ले जाएगा भाई तू? टेंशन मत करो, मेरा साथ में चल। पूरा ट्रेन घुमाएगा क्या? अरे ये सब बहुत सारा सीट खाली है। हमारी ट्रेन चल चुकी है, सुबह सुबह का टाइम है, और अभी मतलब कि 9:30 बज रहे, पर यहाँ पे धूप नहीं निकला। अगर यही मैं अभी मिजोरम में होता तो वहाँ पे भाई 6 बजे धूप आ जाती, वो भी तेज वाली धूप आ जाती थी, पर यहाँ का ऐसे ही है। पर रात में यहाँ पे ठंडी भी नहीं थी भाई, एक मैं पतले कंबल से स्टेशन पे सोया था पूरी रात, तो यहाँ पे ठंडी भी कम है, पर धूप यहाँ पे लेट में निकलता है, यूपी जैसा है, जैसे 10 बजे 9 बजे के बाद में। तो सही है यहाँ का मौसम, आओ आसाम में आओ तो मौसम पूरा डिफरेंट हो जाता है, और बाकी 6 स्टेट में अलग अलग रहता है, वहाँ सब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जल्दी हो जाता है। कैसा है? अरे भाई साहब
अबे पकड़ रही भाई, स्पीड पकड़ेगी अब ट्रेन बहुत तगड़े में। ये लोग देख रहे हैं, बोल रहे भाई तुम साले दोनों लोग छपरी हो गया, नहीं बार बार यहीं पे घूम घूम के ब्लॉग बना रहे हो, बार बार इधर आ जाते हो छपरी के तरीके। मैं इसीलिए बार बार भाई अंदर नहीं जा रहा, ये बोल रहा है कि अंदर चलो अंदर, मैं कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अभी लोग सोचेंगे कि ये छपरी है क्या दोनों, ऐसा कुछ पूछेगा ना। यहाँ का बहुत छपरी लैंग्वेज बहुत फेमस है, फेमस है मतलब की जैसे हम लोग अपने तरफ यूपी में बहुत हरामी है, हरामी है, अपना यूपी बिहार में ऐसा ही है भाई, पर इधर में उसको बोलते हैं छपरी, छपरी बोलते, छपरी बोलते हैं। अभी हम रिटर्न रिटर्न मारेगा भाई, छपरी नहीं बनना है मुझे। देख रहे हो 12 बजने वाले हैं पर धूप का कहीं ना तो भाई अभी जो है हम सिलचर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब हमारी यहां से ट्रेन जो है वो 2:02 है, हमें 1 घंटा यहां पर इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 1 बज रहे हैं, चलते हैं थोड़ा, तब तक सिलचर में थोड़ा खाना पीना खाएंगे यार, क्योंकि भूख भी लगी है, और थोड़ा मार्केट वगैरह घूमते हैं। सिलचर मार्केट में आ चुके हैं, राइस मिलेगा, राइस कितने का है? सादा खाना लगा, वीडियो यूट्यूब वीडियो। तो देखो भाई यहाँ पे हम खाना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज में लगी है मेरे पे भूख। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, मतलब अब होटल पे भी वीडियो बनाना मुश्किल हो गया है। मतलब होटल वाले को नहीं प्रॉब्लम है, वहाँ पे कस्टमर एक बैठे थे ना पाजी, तो इन्हें वीडियो मत बना भाई, लड़की हो क्या यार वीडियो ना बनाओ। लड़के भी इतना नहीं वो करती है, बोल रहे हैं आप वीडियो मत, उसको वीडियो डिलीट कर दिया, घंटा डिलीट करेगा वीडियो, क्यों डिलीट करेगा, क्या उसमें ऐसा कुछ गलत है क्या जो ही बोलो भाई साहब। तो इसलिए भाई आपको खाना भी हम नहीं दिखा पाए क्योंकि क्या बोले हम, मूड खराब कर देता है मूड, क्या चीज ब्लॉग। तो ऐसे ही है ये मार्ग। तो भाई कुछ बोल रहा था पीछे से, दिस इज ब्लॉग है, ब्लॉग है। तो बस यही है, हम मूड का पूरा खराब कर दिए। आधा घंटा बचा है मेरी ट्रेन का, 2 बजे मेरी ट्रेन है, 1:30 बज चुकी है। मार्केट में क्या ही घूमे, बहुत भीड़ भाड़ मार्केट है भाई, आसाम में आने से इतना ही भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। पहाड़ों में रहो, पहाड़ों में कुछ नहीं, शांत माहौल रहता है। देख रहे हो कितना क्राउड, कितना भीड़ है यहाँ पे। मैं वापस चलता हूँ, वो वहाँ पे है स्टेशन, बात करते करते मैं इधर आ गया। ट्रेन तो लगी हुई थी पहले से, मैं बाहर जब गया खाना खाने तो आया अंदर देखा ट्रेन लगी हुई, क्योंकि ये ट्रेन यहीं से सिलचर से ही बन के चलेगी नहर लागू के लिए, मतलब ईटानगर, तो अरुणाचल प्रदेश जाएगा ये, आसाम में, आसाम को पूरा क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश का लास्ट स्टेशन है जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो हम देखते हैं भाई, जनरल का कोच मैं ढूँढ रहा हूँ, इधर पीछे में सब स्लीपर था, इधर में भी अभी स्लीपर क्लास ही दिख रहा है मुझे। तो भाई गड़बड़ आ गया, पीछे साइड में गया था, सोचा था जनरल का जो लगा होगा कोच पीछे में, पर पीछे में मिला ही नहीं, पूरा स्लीपर का था। और 5 मिनट बचे हैं, अब मुझे फिर से सबसे आगे वाले जाना पड़ेगा, मैं दौड़ ही रहा हूँ। यही होता है भाई कभी कभी, आधा घंटा पहले बैठ जाना चाहिए अगर गाड़ी आ गई है तो। मैं बाहर घूम रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, इधर सब एसी के डब्बे, उधर सब स्लीपर के, अब मुझे सबसे आगे जाना पड़ेगा जहाँ पे इंजन इसका होता है। देखते भाई इससे है कि नहीं है, क्योंकि मोबाइल में मैं देख रहा था ऐप में, उसमें दिखाई नहीं रहा है कि, उसमें बता रहा है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा डब्बा कहाँ पे लगा हुआ है, और जब इस स्टेशन से निकल जाएगा तो ऐप में अपडेट कर देंगे कि कौन सा डब्बा कहाँ पे लगा, क्योंकि अभी यहीं से ये बनकर चल रहा है तो ये प्रॉब्लम है। देखते हैं भाई, S9 मतलब अभी हमको 9 डब्बे और आगे जाके तब मिलेगा दूसरा। इतने दिन हो गए भाई ट्रेवल करते हुए मुझे ट्रेन से, आज मुझे से पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई। मैं ये ट्रेन नेट पे देखा तो था कि ये ट्रेन, मैं देखा था ये ट्रेन जाएगी, पर भाई ये मैंने नहीं चेक किया था कि इसमें जनरल का कोच है कि नहीं। भाई इस ट्रेन में जनरल का कोच है ही नहीं है। अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है, ये भाई लगेज का कोच है, लगेज, ये लगेज है, पर इसमें थोड़ी सीट लगी हुई है तो इसमें मैं बैठ जाता हूँ आगे, ये विकलांग लोगों का है, बाकी ये खाली है सीट इसमें, क्योंकि ये जनरल का कोच है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का दिखाएंगे कैसा, अच्छा है,
तो कह रहे थे हम लोगों को भी दिखाओ, तो भाई ये मतलब खाली है, देखो पूरा सीट खाली है, क्योंकि लोगों को यहाँ पता ही नहीं है कि इसमें मतलब कि जनरल का कोच है, क्योंकि जो नेट में देख लिया होगा उसको पता हो गया होगा कि जनरल का कोच नहीं है, तो वो स्लीपर का टिकट अपना बुक कर लिया होगा। तो भाई ये मुझसे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या बोलूँ अब इसको, पर अब देखते हैं इसमें सफ़र करते हो भाई। सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे पास टिकट भी नहीं, मैंने टिकट भी नहीं लिया है, तो हो सकता है चेकिंग यहाँ पे हो सकता है। हाँ भैया ठीक है ठीक है भैया, तो बाय बाय बोलते हैं सिलचर को। टॉयलेट तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पर भीड़ भी नहीं है, देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे तो लग रहा है चेकिंग होगी ज़रूर, क्योंकि अगर जैसे जनरल का कोच होता तो मतलब उसमें बोल दे, उसमें जानते हैं कभी चेक होता कभी ना चेक होता, पर ये लेगज का कोच है, टीटी आएगा तो आएगा ज़रूर, बोलेगा यार इसमें तो जनरल का कोई टिकट ही नहीं होता है, तो ये लोग कैसे बैठे हैं, उसका नज़र पड़ेगा ज़रूर, चेक करने आएगा। मैं फंसने वाला हूँ आज, तो मैं फंसूँगा, मुझे पता होता तो मैं कोई ना कोई टिकट ले लेता अगर, पर अभी टाइम भी नहीं बचा मेरे पास, बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। और 12 घंटे का सफ़र भी, अभी यहाँ से 2 बजे निकले हैं, ये हमें 3 बजे रात में छोड़ेगा। देख भाई क्या तगड़ा वाला भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत भीड़ है, सब लोग इसी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं भाई, इसमें ज़्यादातर सब स्लीपर वाले होंगे, क्योंकि जनरल का कोच है नहीं तो जनरल के कहाँ आएंगे। ओहो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैडम को देखो, बढ़िया है भाई साहब, आ जाओ सब लोग आ जाओ इसी के अंदर में आ जाओ। अभी ये ट्रेन यहाँ से, कौन सा स्टेशन है ये, स्टेशन का नाम है ये बदरपुर आ गया भाई, इसका फर्स्ट स्टॉप है ये सिलचर से। अभी भाई कहाँ पर चल रहा है, देख लो भाई टनल के अंदर में चल रहा था, टनल के अंदर में ये था इधर, ये अभी हम हाफ लॉन्ग की तरफ पढ़ रहे हैं ना, तो हाफ लॉन्ग की तरफ में पहाड़ आपको बहुत देखने को मिलेगा, मेबन पक हाफ लॉन्ग होते हुए हम और आगे जाएंगे दीपू, दीपू से और आगे देखना पड़ेगा कौन सा स्टेशन पड़ता है। और ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, यही एक एरिया है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ है आसाम में, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हाफ लॉन्ग पड़ता है। हाफ लॉन्ग में पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और देखो भाई नज़ारा, देखो नज़ारा मस्त है, ज़बरदस्त है, जो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है। ओ भाई साहब पहाड़ देख रहे हो, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, शाम का टाइम है तो और मस्त नज़ारा लग रहा है। इधर मैं पूरा ये यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे है नेशनल हाईवे, और इस हाईवे की हालत इतना ख़राब है भाई साहब, मैं तो इस पर हिचेक कर चुका हूँ ना, जब हफलॉन्ग को सिलचर हिचेक किया था, इतनी हालत ख़राब है, ऐसे पहाड़ों में से जब जाता है ये तो मतलब कहीं कहीं पे तो बिल्कुल रास्ता नहीं, जैसे गांव जैसा। अभी देखो ये देखो वहाँ पर भी काम चल रहा है, ट्रक वगैरह देखो कितनी वहाँ पर सब खड़े हुए हैं, अभी यहाँ पर सब पूरा काम ही चल रहा है, ये हाईवे एक्चुअली में अभी बन रहा है। चलो भाई साहब एक और टनल में जाने का टाइम आ चुका है, गुफा गुफा बोलते हैं भाई, गुफा हिंदी में, ये लो एंट्री हो चुकी है। हाँ हाँ पूरा मतलब एकदम अंधेरा है, अंधेरा, ये लाइटें कुछ लगी हुई हैं, कुछ लाइटें लगी हैं, मस्त है। भाई साहब इतना मस्त लगता है जब ये टनल के बाहर निकलो तो एकदम लगता है कहाँ इतने बड़े पहाड़ों के बीच में हम आ गए। अभी भाई हम न्यू हफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो क्या अंडा वगैरह बिक रहा है, ऐसा है रास्ते में देखो बहुत सारी चीज़ें, आपको दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ ट्राइबल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और ये भी है कैसा अच्छा है, देख रहे हो भाई साहब ये क्या क्या चीज़ें आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे, ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। ऐसा भाई मैं पहली बार ऐसा रेलवे स्टेशन पे देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है,
क्योंकि ये धीमा हसाव है तो आपको ऐसा देखने मिल जाएगा, जमटा वगैरह ये सब। भाई मैं गांव गांव में जाके एक्सप्लोर करता था और यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आपने कभी देखा है ऐसे रेलवे स्टेशन पे ऐसे? क्योंकि ऐसा कोई रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे ये लोग ट्राइबल लोग अपना बिक्री करते हो। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ट्राइबल लोग यहाँ पे बिक्री करते हैं, नहीं तो आपको ऐसे तो आम आदमी ही देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे मतलब बेचते वगैरह है। ओ भाई साहब देखो सारी भाई ट्राइबल लड़के यहाँ पे सेलिंग कर रही हैं। क्या बोला भाई साहब? कुछ कह रहा था भाग कैमरा लेता है। भाई अभी जो है रात हो चुकी है और हमने जैसे टेंट में अपना मैट लगाते हैं वैसे ये मैट लगा लिए हैं। टेंट तो नहीं लगाया क्योंकि गाड़ी में ट्रेन में टेंट लगाना काम बात नहीं है, जगह नहीं होता है, नहीं तो टेंट भी लगा के सर। पर ये ट्रेन मतलब जनरल है पर खाली है, देखो कितना खाली है, सब लोग बैठे हुए, इधर भी कोई सो सकता है। मैं तो अपना इधर लगा लिया आराम से, अभी निकालूंगा कम्बल और सीधा सो जाऊंगा, सीधा मिलूंगा आपको तिनसुकिया में। तिनसुकिया इसका टाइम है 3:30, देखते हैं कितना बजे पहुंचाता है, हो सकता है थोड़ा लेट हो तो थोड़ा देर में भी पहुंचा सकता है, जो भी होगा पता चल जाएगा। अभी लगाएंगे हम 3 का अलार्म मोबाइल में और लगाएंगे कम्बल और सीधा सो जाएंगे। यहाँ तो भाई साहब बारिश हो रही, बाहर देख सकते हो, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी अंधेरा है। और ये रेलवे स्टेशन आ गया है हमारा डिब्रूगढ़। थोड़ा प्लान में चेंजिंग क्योंकि हम उतरने वाले थे तिनसुकिया से, मैं और आगे आ गया डिब्रूगढ़ क्योंकि हमें जो है पासीघाट जाने में डिब्रूगढ़ से और नज़दीक पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा 3 वहाँ उतरने से अच्छा है तिनसुकिया मैं उतर जाता हूँ डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ हमें ला के 4:30 छोड़ा है तो कोई नहीं, अच्छा रहेगा, यहाँ से और नज़दीक रहेगा और जल्दी हम पासीघाट पहुँच जाएंगे। ये है देखो डिब्रूगढ़ का ये है रेलवे स्टेशन। हाँ भाई साहब बारिश में तो बड़ा मस्त लग रहा है, देख रहे हो अब आपको यहाँ पे बारिश दिख रहा होगा। देखो बड़े दिन बाद बारिश देखने को मिली है क्योंकि पहाड़ों में तो बारिश हो ही नहीं रही थी, पूरे मिजोरम में 1 थे वहाँ एक भी दिन बारिश नहीं देखने को मिला है। मस्त है स्टेशन तो देखो बारिश में और खूबसूरत लग रहा है। भाई अभी जो है हम स्टेशन पे उतर चुके हैं और अभी यहाँ पे हम थोड़ा क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे या आराम करेंगे 2-3 जैसे दिन होता है 8-9 बजता है, उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से पासीघाट के लिए। और पासीघाट निकलने के लिए अब यहाँ से ट्रेन तो नहीं लूँगा भाई, हिचेक करते हुए जाऊँगा तो वो अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। चलते हैं यहाँ पर वेटिंग हॉल पर, थोड़ा आराम से करते हैं और थोड़ा वाईफाई वगैरह यूज करेंगे भाई, तो वीडियो वगैरह अभी अपलोड करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है तो वो सब करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।